हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। सो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग बात करेंगे जेएमएन 2021 लास्ट सेशन यानी मई सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, तो जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ईच एंड एवरी अपडेट फ्रॉम अस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि जेएमएन 2021 लास्ट सेशन यानी मई सेशन में चीटिंग चल रहा था, जिसके बाद सीबीआई ने 25 से ज़्यादा सेंटर पे छापा मारा है। कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जो कैंडिडेट से लाखों रुपया लेके उनको चीटिंग करवा रहा था। सीबीआई ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन ये केस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। और सीबीआई बोल रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होगा तब तक रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया जाएगा। एनटीए ने ये रिजल्ट के टॉपिक पे अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, तो मे बी आप लोग का जो रिजल्ट है वो पोस्टपोन हो सकता है। और सोशल मीडिया पे ये भी एक न्यूज़ आ रहा है कि फोर्थ अटेम्प्ट का एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इस पे आप लोग बिलीव मत कीजिए, ये 100% फेक न्यूज़ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जहाँ जिस सेंटर पे सीबीआई ने छापा मारा है वहाँ का कैंडिडेट्स का एग्जाम को कैंसिल कर सकते हैं, बट सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। जैसे ही रिजल्ट का ऑफिशियली डेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।